नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला वनडे टीम इंडिया ने आसानी से जीत लिया, तो दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने भी कहा कि हम भी जीतेंगे और बड़ी आसानी से जीतेंगे। लेकिन दूसरा वनडे मैच खत्म हो चुका है, टीम इंडिया को हार मिल चुकी है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर रोहित शर्मा, युजवेंद्र चहल यानी कि जो लेग स्पिनर है भारतीय टीम के, युजी चहल, उनकी पिटाई करते हुए दिख रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारा कुछ हो रहा है वो मजाक में हो रहा है। रोहित शर्मा युजवेंद्र चहल के, वो कहते हैं ना, कमर पे मार रहे हैं। बगल में विराट कोहली भी बैठे हैं और जयदेव उनटकट भी बैठे हैं। ये चारों ही खिलाड़ी दूसरा वनडे मैच नहीं खेले थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया था, जयदेव उनटकट को जगह नहीं मिली थी, युजवेंद्र चहल को भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई थी। तो इसके बाद चारों खिलाड़ी जब मैच चल रहा था तो मस्ती कर रहे थे और मस्ती में जो ये वीडियो बन गया, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन इसी के साथ रोहित शर्मा मजाक तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन उनकी आलोचना भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि दूसरे वनडे में वो नहीं खेले थे, विराट कोहली भी नहीं खेले थे, और उसके बाद जो टीम इंडिया को हार मिली थी तो लोग या फैंस यही कह रहे थे कि अगर ये दोनों क्रिकेटर खेलते तो टीम इंडिया को हार नहीं मिलती। और वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने में अभी 100 दिन भी बाकी नहीं है, क्या अभी भी आराम करना ज़रूरी है? आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में भी बताइए। और क्या तीसरे वनडे में टीम इंडिया सीरीज के साथ मैच भी जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।